संपदा हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। ये कल कल छल छल करती बहती नदियाँ, ये ऊंचे नीचे पहाड़, उपयोगी एवं सुंदर पेड़ पौधे, सनसन चलती ये ठंडी ठंडी हवा के झोंके, चरते विचरते हुए जानवरों का झुंड, अपनी गर्मी और प्रकाश फैलाता जगमगाता हुआ सूरज और मीठी मीठी शीतल चांदनी बिखेरता खूबसूरत चंद्रमा। आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे जिसके बारे में तुम लोगों का अभी टेस्ट है ना, प्राकृतिक संपदा और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व। अच्छा ये वो बताओ, तुम लोगों ने खाना खा लिया? जी दीदी। खा लिया जी। अच्छा ये खाना जो है किस पे पकता है? कोयला जलाकर और लकड़ी जलाकर। लकड़ी जला के, कोयला जला के और गैस पर। गैस पे भी। तो ये सब चीजें जो हैं, कोयला, लकड़ी, गैस, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? प्रकृति से। ये प्रकृति में पाई जाने वाली वो चीजें जो हमें स्वतः प्राप्त होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं। तुम लोगों को समझ में आया क्या होती है प्राकृतिक संपदा? दीदी जो चीजें हमें प्रकृति में स्वतः प्राप्त होती है उन्हें हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं। प्राकृतिक संपदा कहते हैं, ठीक है। और हमारे प्रकृति में बहुत सी ऐसी प्राकृतिक संपदाएं हैं जो कि हमें प्रयोग के बाद पुनः प्राप्त हो जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो प्रयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं होती हैं। दीदी लेकिन ऐसी कौन कौन सी संपदाएं हैं जो प्रयोग के बाद फिर से प्राप्त हो जाती है और कौन सी पुनः प्राप्त नहीं होती हैं? पुनः प्राप्त नहीं होती हैं, ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगी कि ये बताओ कि पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को किस चीज की जरूरत पड़ती है? दीदी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की, बिल्कुल ठीक। और क्या पता है तुम लोगों को कि हमारे वातावरण में इतनी सारी ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कहाँ से दीदी? दीदी सभी हरे भरे पेड़ पौधों से। हरे भरे पेड़ पौधों से, बिल्कुल ठीक। और ये हरे भरे पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन आती है वो हमारी कैसे आती है? क्योंकि सभी पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है कि पौधे जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। दीदी और वातावरण में ऑक्सीजन फिर से आ जाती है और वही ऑक्सीजन हम वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पौधे ले लेते हैं और हमको जीवित रखने के लिए वो ऑक्सीजन देते हैं। और हाँ दीदी मैं भी समझ गई कि इतने सारे लोगों के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ चित्र लाई हूँ, तो ये मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ये देखो ये है ऑक्सीजन है। यहाँ पे इस चित्र से देखो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि देखो ये मानव जीवन है, ये वन प्राणी है, ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं और ये पक्षी हैं, ठीक है। तो जिन समूह में सजीव वस्तुओं को हमारे इसमें दिखाया गया है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। एक इसी तरीके से ये देखो दूसरा चित्र है जो मैं तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये जैसा कि अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये देखो पेड़ पौधे हैं, ये हमारे क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वातावरण से ले रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। और ये वन प्राणी है, ये ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं। ये ऑक्सीजन हमको प्रकृति में पुनः प्राप्त हो गई है ना। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रकृति में हमें प्रयोग के बाद पुनः प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संपदाएं। कौन सी संपदाएं? नवीकरणीय संपदाएं। नवीकरणीय संपदाएं, तो नवीकरणीय संपदाएं वो संपदाएं हैं जो कि हमें प्रकृति में प्रयोग के बाद पुनः प्राप्त हो जाती हैं। दीदी आ गया तुम लोगों को समझ में? हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे। दीदी एक पौधा होता है दोबारा उत्पन्न न होने वाली संपदाएं कौन कौन सी हैं? बिल्कुल अभी बताते हैं। प्रकृति में न दोबारा प्राप्त होने वाली जो संपदाएं हैं वो हैं जैसे कि बालू। तुमने देखा होगा कि सड़कों पे वाहन चलते हैं। जी दीदी। तो क्या बता सकते हो ये वाहन किससे चलते हैं? ये पेट्रोल डीजल से। पेट्रोल और डीजल वगैरह से चलते हैं। तो ये संपदाएं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं क्या हमें पुनः प्राप्त होती हैं?
अगर वाहन चलता है तो डीजल तो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होता, पेट्रोल खर्च हो जाता है दोबारा तो नहीं प्राप्त होता। इस तरह की जो संपदाएं होती हैं, डीजल है, पेट्रोल है, लोहा है, बालू है, बहुत सी ऐसी संपदाएं हैं जो कि अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें वो दोबारा प्राप्त नहीं होती हैं। तो इस तरह की जो संपदाएं प्रकृति से हमें दोबारा प्राप्त ना होने वाली, उनको हम कहते हैं अनवीकरणीय संपदाएं। कौन सी संपदाएं? अनवीकरणीय संपदाएं। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी तुम लोगों को दो बातें बताई गई। पहले क्या बताई गई कि प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं और उसके प्रकार। ठीक है, तो तुम लोग समझ गए होगे कि प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नवीकरणीय संपदा, अनवीकरणीय संपदा। अनवीकरणीय संपदा है, बहुत अच्छी बात है। और अब हम लोग चलते हैं उस प्रश्न की तरफ कि प्राकृतिक संपदा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्या महत्व है दीदी प्राकृतिक संपदा का? तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अब ये तुम लोग तो समझ भी गए होगे कि बहुत सी संपदाएं हमको पुनः प्राप्त होती हैं, बहुत सी नई प्राप्त होती हैं, और कौन कौन सी हैं जिनका हमारे जीवन महत्व है। जैसे कि हमारे, जैसे हमने तुमसे बात करी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमको कहाँ से प्राप्त होती है? वातावरण से। और तुम अगर सोचो कि अगर ये ऑक्सीजन हमको ना मिले तो क्या होगा? कोई भी प्राणी जीवित रहेगा? नहीं जीवित रहेगा। तो उसी तरीके से हमारे क्या होता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, हमें क्या है, एक जीवित प्राणी के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्रकृति से मिलती हैं, है ना। तो प्रकृति से हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए लकड़ियां, लोहा, बालू, बहुत सी कृषि उत्पाद वाली चीजें। ठीक है, तो ये हमको वातावरण से प्राप्त होती हैं, प्रकृति से प्राप्त होती हैं। और ये प्रकृति क्या है? हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है, उसके ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, है ना। तुम सोचो कि अगर जंगल कट जाए तो क्या होगा? जानवरों का घर उजड़ जाएगा। बहुत अच्छी बात तुमने बताई, क्योंकि जंगलों में क्या रहते हैं, बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, शेर, चीता, भालू, मृग, हिरण, कस्तूरी, ऐसे बहुत से न जाने वन्य प्राणी रहते हैं जिनका कि पूरी तरह से आश्रय कहाँ पे होता है? जंगलों में होता है। और अगर हम जंगल काट देते हैं तो जंगलों में पेड़ पौधे जो होते हैं उनके कटने से क्या होगा? मिट्टी जो होती है वो हमारे पेड़ पौधों को दबाए रहती है। पेड़ पौधे जो होते हैं जब मिट्टी मुकते हैं तो उनसे क्या होता है, मिट्टी वहां की जो है रुकी हुई होती है। तो अगर हम उसको काट देंगे तो क्या होगा कि नदियों का बहाव, बिल्कुल सही तुमने कहा, क्योंकि बाढ़ आने का रहेगा, क्योंकि नदियों के किनारे से जो पानी आता है वो क्या बह के जो है हमारे गांवों में घुस जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है ना। और अलग बात, दूसरी, तीसरी, चौथी बात क्या हो सकती है? दो बातें हो गई, एक तो जब हम वन प्राणियों का घर उजड़ जाएगा, दूसरा बाढ़ आने का प्रकोप बढ़ जाएगा। तीसरी बात क्या होगी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, मालूम है ना, वाष्प बनना, भाप बनना जो होता है, तो वो क्या होगा, पानी का, तो वो क्रिया क्या होगी, वो धीमी पड़ जाएगी। तो जब धीमी पड़ जाएगी तो क्या होगा, बरसात नहीं होगी। बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, उसका असर किस पे पड़ेगा? खेती पे। ठीक है, तो जब खेती पे असर पड़ेगा तो क्या होगा, अन्न नहीं होगा। अन्न नहीं होगा तो फिर हमारा मानव जीवन असर होगा उसके ऊपर, उससे होगा हमारा, प्रभावित होगा हमारा मानव जीवन। तो इस पूरे चक्र में हमने क्या देखा कि हमारा मानव जीवन पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर है, वो चाहे रोटी हो और चाहे उसकी जरूरत की चीजें हों और चाहे हमारे वन प्राणियों का जीवन हो। ठीक है, तो पूरी तरह से ये प्रकृति के ऊपर हम निर्भर करते हैं। ठीक है, तो हमें ये बात जो है बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि प्राकृतिक संपदा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये सब हमारे जीवन की अनमोल धरोहर है। ठीक है, ठीक है। और हमें ये बात खुद भी तो समझनी चाहिए और साथ साथ क्या करना चाहिए, सभी को समझाना भी चाहिए कि जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको हमको बचा के रखना चाहिए। ठीक है, उनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि देखो होता है ना कि जो चीज हमारा ख्याल रखती है हमें भी तो उसका ख्याल रखना चाहिए ना। जी दीदी, है ना, तभी तो वो चीज हमारे पास सुरक्षित रहेगी। तो जब पेड़ पौधे हमारे काम आते हैं, नदियां हमारे काम आती हैं, जंगल हमारे काम आते हैं, तो हमें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए। तो उनके ख्याल किस तरीके से हम रखेंगे, उनको हम काटेंगे नहीं, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, वन प्राणियों का जो है घर नहीं उजाड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा मानव जीवन खुशहाल होगा, चारों तरफ सुख होगा, सब कोई खुश होगा,
प्रकृति जो है एकदम हरी भरी हो जाएगी। तो हमारे साथ बोलो, आओ प्राकृतिक संपदा बचाएं, मानव जीवन सफल बनाएं।